मेरे साथ आज खुद यश हैं, जो बहुत सारी बातें करने वाले हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने फैशन के बारे में, फिटनेस के बारे में, है ना यश जी? जरूर, धन्यवाद। आपका जो इंट्रोडक्शन था काफी उत्तम था मेरे पर्सनालिटी से। आई एम रेडी टू टॉक, आप बोलिए। आपके क्या क्वेश्चन? सबसे पहले बताइए कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है? हाउ्स गोइंग? लाइफ हरदम अच्छी रहनी चाहिए। भगवान की कृपा से हमको हरदम कृतज्ञ रहना चाहिए। हर दिन हम को खुशी से व्यतीत करना चाहिए, ये मेरा कहना है। हर रोज में कुछ होता है ऊपर नीचे, पर ऑन द होल इट शुड बी गुड। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये व्यतीत होना है नॉल, मतलब इतनी शुद्ध हिंदी कैसे मेंटेन कर पाते हैं? ये बचपन से है या तो जी मैं बचपन में मेरी जो दादी जी थी जी, गोपी बिरला जी, तो उनसे मैं हरदम हिंदी में ही वार्तालाप करता था। और मेरे हिसाब से अपने संस्कार बहुत अहम हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग काफ़ी अंग्रेजी में बात करते हैं और धीरे धीरे हिंदी की जो आदत है बात करना कम कम होती जाती है आजकल। पर फिर भी जैसे मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो करीब 12 साल की उम्र तक मैं उनसे सिर्फ हिंदी में बात करता था, तो उस हिसाब से उनमें संस्कार आएंगे कि अपने हिंदी संस्कृति हिंदू भारतीय जो संस्कार है वो आने चाहिए। तो अभी आजकल क्या है, सब अंग्रेजी स्कूल में जाता है, मैं भी अंग्रेजी स्कूल में गया था, कैथीड्रल एंड जॉन कॉन, वो लोग भी अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, तो सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, तो अपनी हिंदी भाषा कहाँ आएगी? तो हमारी संस्कृति अगर पढ़नी पड़ेगी तो हिंदी भाषा तो आनी है। एक चीज़ मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ जो आपने मेंशन किया कि इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, और आजकल ये मस्ट हो गया है कि टीचर्स भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बच्चों से इंग्लिश में बात करो ताकि वो स्कूल में आए तो इंग्लिश में बात करें। तो इस पे आई मीन आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया इस पे, तो ये सही बात है कोई हद तक, क्योंकि अगर बहुत हिंदी या गुजराती या अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें तो वो अंग्रेजी में बोलने का एक्सेंट में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। इट डिपेंड्स, मेरे घर में मतलब जो स्कूल में हम भेजते हैं कैथीड्रल कैंपियन ये सारे कैथलिक स्कूल में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा होती है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो इसलिए उन स्कूलों में जब जाते हैं तो बहुत अहमियत है कि हमको हिंदी में बात करना चाहिए घर पर, संस्कार वैसे ही बनेंगे। अल्टीमेटली हमारी संस्कृति हिंदी की, संस्कृत हिंदी या अपनी लोकल भाषा है, आपको आना तो चाहिए। फिर ऐसा होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, टीनेजर्स हो जाते हैं, वो लोग बच्चे, हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो ज़्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं। जैसे अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं करीब 25 साल पहले इससे ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बात करता था। अच्छा। अब आदत छूट गई क्योंकि सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बचपन से सीखे नहीं, जो हमारी संस्कृति है जो हमारी भाषा है वो सीखनी चाहिए। आपके स्टाइलिंग भी काफ़ी जाने जाती है, सबसे पहले आज की स्टाइलिंग के बारे में बताइए, क्या खास है आज? स्टाइल इज स्पॉन्टेनियस, मेरे को हिसाब से मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। जैसे कहीं कुछ जाना हो या अभी आपके सामने आया हो तो मैं 2 मिनट जाके कबाड़ के सामने खड़ा रहता हूँ, जो मन में उस टाइम इंस्पिरेशन आता है वो निकाल लिया और पहन लिया, उसमें ज़्यादा सोचा नहीं, उसको ज़्यादा शीशे में देखा नहीं, उसमें वक्त ज़्यादा व्यतीत नहीं किया मैंने। तो ये मुझे आ गया कि सेमी कैजुअल समझे, शर्ट है, ट्राउजर और ये प्रिंटेड ट्रैक पैंट्स जैसे हैं, तो सेमी कैजुअल हो गया। ओके। बहुत एक्टिव हैं आप, मतलब फिटनेस तो है ही, बुक लिखना एंड एवरीथिंग, सो और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यश के पास जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं? जी मेरा काम तो रहता ही है, जो मेरा प्राइमरी धर्म है, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो वो तो मेरा पहला धर्म है। उसके अलावा अगर आप मेरे को बाकी चीज़ों के मैं पूछे तो मैं फिटनेस ऑफकोर्स अहमियत रखता हूँ, रोज़ मेरा जो वर्कआउट चलता है वो चलता है। इसके अलावा मैं बचपन से ध्यान प्राणायाम योगासन और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो इन चीज़ों में मेरा काफ़ी समय व्यतीत होता है। तो कितना टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है यश, बिकॉज बिजनेस भी है जिसको आगे ही आगे ले जाना है और जाता ही है, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? हम लोग इंस्टाग्राम में टाइम दे सकते हैं, सोशल मीडिया में दे सकते हैं, इंटरव्यू में दे सकते हैं, यहाँ वहाँ जाने में दे सकते हैं, सब में वो भी देना चाहिए, मैं नहीं बोलूँ मत दीजिए, आपको मन हो तो आपको सब में के लिए वक्त मिलेगा ही। ऐसा है ह्यूमन माइंड और ह्यूमन कैपेबिलिटी कि आप जो करना चाहे वो आप कर ही सकेंगे, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। सो यश ये बताइए कि आप तो इतने जिंदा दिल इंसान दिखते हैं और काफ़ी एकदम मतलब आपको देख के लगता नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट होंगे, बट सच्चाई क्या है, बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कई चीज़ों में स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कई चीज़ों में उनके मित्र बनना चाहिए आपको। सब चीज़ों में आप अगर रुकावट डालेंगे तो आजकल के बच्चे कुछ समझेंगे नहीं, ना सीखेंगे ना फॉलो करेंगे।
तो जो आपकी अहम संस्कार है, जो प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ है, उनमें स्ट्रिक्ट होइए। स्ट्रिक्ट भी ऐसा कि हम उनको बता दें कि है ये हमारे आदर्श हैं, एंड प्रैक्टिस व्हाट यू फॉलो। अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो वो फॉलो कैसे करेंगे। तो समझे, फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से इंटॉक्सिकेशन गलत है। मैंने इंटॉक्सिकेशन एनी काइंड ऑफ अल्कोहल मैंने कभी ग्रहण नहीं किया चाइल्डहुड से। अब करें जो करें, ना करें ना, मैं नहीं कर रहा हूँ ख़राब या गलत या सही या अनुचित। मैं बच्चों को बोलता हूँ, देखिए मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो कभी इंटॉक्सिकेशन नहीं किया हूँ, आपको फॉलो करने की चेष्टा करनी चाहिए क्योंकि इससे ये बेनिफिट्स है लाइफ में, और ये ग्रहण करने से ये आपको हैंडीकैप्स, फिर आप डिसाइड करो। तो ये कुछ कई चीज़ें जो आपको थोड़ा फर्मली बोलना चाहिए विथ डेमोन्स्ट्रेशन, विथ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बाकी चीज़ें आपको कई चीज़ें सब इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे भी अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स होंगे कल। अगर हम समझेंगे जो भी हम सही समझते हैं वही वैसा बनना चाहे तो हम गलत सोचें, क्योंकि वो अपने संस्कार लेके आए हैं, वो अपना फ्यूचर लेके आए हैं। तो दे मस्ट ऑल्सो फ्लावर, कई चीज़ों में उनको लिबर्टी देना चाहिए, जो है वो है। कई चीज़ें जो आपको अहमियत रखते हैं उसमें आप स्ट्रिक्ट होइए। बिजनेस में कितने कॉम्पिटिटिव हैं आप, लाइक कि कितना रहता है कि आगे निकलना है, ऐसा वाला कॉम्पिटिशन होता है? कॉम्पिटिशन होना अच्छा है, हेल्दी कॉम्पिटिशन। जो पैशन अम्बिशन होना चाहिए वो होना चाहिए आप में, पर ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप नहीं बढ़ सके या इसके आगे नहीं निकल सके आपको निराशा होए, या आपको दिन भर सोचते रहे कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गए। बहुत अच्छा, जो हमारे कर्म में है जितना हम अच्छा कर सकते हैं पूरा करिए अम्बिशन के साथ, उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लास्ट हो या फर्स्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बिरला एक ऐसा नाम है जो हम लोग मतलब सुनते आ रहे बचपन से, और ये कितना बड़ा नाम है, इसका प्रेशर कभी आपके ऊपर फील हुआ है? हाँ भी नहीं भी, क्योंकि प्रेशर होता है जब आप कुछ आर्टिफिशियल हो, जब आपको कुछ छुपाना हो, जब आपको कुछ पोर्ट्रे करना हो जो आप नहीं हो। मैं विश्वास करता हूँ जो मैं हूँ मेरी कॉन्शियंस है। तो नाम बिरला फैमिली का नाम ऑफ कोर्स सांस्कारिक है। जी, जी। हम लोग ने कितने 100 साल से चैरिटी, सोशल वर्क, संस्कृति पर बहुत अहमियत दी है। बिजनेस में बहुत कामयाब हुए लोग। तो ऐसा है कि उस नाम को हमको नीचे नहीं लाना चाहिए, पर कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है लाइफ में। लाइफ एंड अपन को हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, अलग अलग चीज़ों पर निर्भर है, तो हो जाता है, कोई बात नहीं, अपनी स्ट्राइड में ले लेना चाहिए। पर आपको अपने नाम का नहीं, आपका जो नाम से रिलेटेड जो आदर्श है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, और उसका बर्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरली आना चाहिए। मुझे ना यहाँ पे कुछ बुक्स दिख रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बताएं कि एग्जैक्टली कौन सी बुक्स हैं, क्या क्या हैं, और अगर आप अपने फैंस दर्शकों को बता पाएं। जी। तो बुक्स तो ये तो ऐसा है कि मेरे को मिस शोभा डे जो हैं उन्होंने करीब काफ़ी साल पहले बोला था कि आप एक अपने फिटनेस पर एक बुक लिखिए, वो इंस्पायर करेगा यूथ को। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैंने कहा पर मेरे को लिखने का समय नहीं है, पर मैं बातचीत ज़्यादा करता हूँ, जैसे आपसे भी कर रहा हूँ ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं बातचीत करूँगा, आप किसी को लेखक बनाइए। तो फिर उन्होंने कोई बहुत अच्छे विश्ववीर सिंह है उनको लेखक बनाया, और उन्होंने लिखना शुरू किया फिटनेस पर, खाली फिटनेस पर। अच्छा। पर फिटनेस के दौरान जैसे मैं अभी भी बातचीत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैंने इतनी सारी बातचीत की उनके साथ, तो बोली बीच में मिस शोभा डे आए मेरे पास, बोले कि आपकी लाइफ और आपके फिलोसफीज, आपके थाट्स इतने इंटरेस्टिंग है कि हम खाली फिटनेस को क्यों बताएं, हम इसको बायोग्राफी बनाएंगे जिस पर आपकी जीवनी पर हम ज़रा फोकस करेंगे, फिटनेस छोड़ दो। तो ऐसे देखिए मैंने तो पूरा फिटनेस पर शूट भी कर लिया, क्योंकि आपकी फिटनेस बुक थी, मैं जिम में पूरा एक्सरसाइज कसरत करके मैंने फिटनेस पर शूट कर दिया, उसका मैं क्या करूँ। तो बोले वो आप एक और बुक लिख दीजिएगा। ऐसा अभी मैं तो आपके प्रोत्साहन से लेखक बना, मैं बार बार तो पता नहीं, यानी मैं भगवान की देन, जैसे हो जैसा भगवान चाहे वैसे करेंगे। तो उन्होंने ये बुक फिर जो मैंने बातचीत बहुत की ऑन अ प्रेयर, उसमें मेरी सब जो थॉट्स हैं, मेरे लाइफ है बचपन से, ग्रोइंग अप ईयर्स, कॉलेज में जो मेरे कई नुक्से भी हैं, फनी इंसिडेंसेस हैं, कई मेरे सीरियस इंसिडेंस है, सम थॉट्स आर देयर, फिलॉसफी है मेरी जीवनी जैसी है, टिल अ पर्टिकुलर एज, नॉट टिल नाउ।
तो ये लिखी। फिर उसके बाद मैंने, जैसे उन्होंने कहा कि आप फिटनेस पर अपनी बुक ले, तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास वक्त नहीं ज़्यादा, मैं बहुत बिजी था अपने काम में, पर फिर थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा जो भी बातचीत करके लिख के, थोड़ा मेरे हिसाब से मैंने वो कंप्लीट कर दी, क्योंकि एक अगर शुरू की तो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, तो थोड़े साल लग गए पर फिर कंप्लीट हो गए। तो उसमें आ गया ये बिल्ड द परफेक्ट बॉडी, तो ये इज ओनली अबाउट फिटनेस। और इसमें से कई जो शूट किए मैंने वो उस टाइम कर लिए थे मिस डे के किताब में, फिर कई रह गए थे तो मैंने वापस फिर मतलब शूट वापस किया, कंप्लीट किया जैसे किया। तो कई इसमें चित्र हैं 3-4 साल पुराने, कई है रिसेंट। ये इसमें बेसिकली कोई भी जो नहीं भी जानते फिटनेस के बारे में इसमें से सीख सकते हैं कि कैसे करना, और जो जानते हैं उसमें से इनको एक्सरसाइज का फॉर्म, हाउ टू डू इट परफेक्टली, ये मिलेगा। तो इसमें ये बेटर रहेगा। ये थी एक DVD, मैंने टाइम्स के साथ एक DVD बनाई थी, एक शूट किया था मैंने यहाँ, मैं ऋषिकेश, मेरा बहुत प्रिय जगह है, मुझे मेरे दिल से जुड़ी हुई है, तो वहाँ भी शूटिंग की थी योगासन पर और एक्सरसाइज और फिटनेस लाइफस्टाइल, सात्विक आहार सोच, अपना क्या क्या खाना चाहिए, हेल्थ फूड क्या है, उससे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, वो सब ये DVD में बात की। तो अब यस 100% लिविंग, इट्स लाइक माय बॉडी माय टेंपल, लिविंग। अब क्या किया मैंने, ये DVD को मैंने ये किताब में QR कोड में डाल दिया, तो जो ये किताब लेंगे वो ये DVD को इसमें देख सकते हैं, यहाँ QR कोड कर स्कैन करके। तो ये अभी जो थोड़े साल बनी थी, मैंने कहा ये वापस जो ये पढ़े, क्योंकि जो एक्सरसाइज यहाँ कर दिखाई है वो कहीं मैंने, इन्होंने ये DVD में किया है। अगर आपकी वो बायोग्राफी ली जाए, वो किताब ली जाए, तो फर्स्ट वन जो आपने हमें दिखाया, फेवरेट कौन सा है आपका चैप्टर, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है, फनी सीरियस जो भी आपने कहा, कौन सा है आपका? तो एक मेरी यार इसमें मेरी है, एक मेरे बचपन की एक मेरी भुआजी थी, उन दिनों मारवाड़ी खानदान में बहुत मतलब कंजर्वेटिव ओल्ड फैशन थी भुआजी, बहुत अच्छी थी, स्वीट थी और अफेक्शन थी, यहाँ के मेरे साथ रहती थी, तो बचपन में चिढ़ाने का बहुत मज़ा आता है, तो मैं उनको चिढ़ाता था उनके उनके बाद जब वो सोती थी रात को, मैं सफ़ेद चादर डाल के ऊपर ऐसे भूत उनके सामने नाचता, तो खूब पहले डरती थी, फिर खूब गुस्सा होकर चिल्लाती थी कि मैं सबको कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारी माँ को बता दूंगी। तो हम लोग खूब हंसते थे, फिर ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है जो अपना बचपन की याद दिलाते हैं। बचपन का टाइम बेस्ट रहता है अपने लिए, जो अपन मज़ा इनोसेंट जो बोलते हैं इनोसेंट फन, ऐसे कोई हार्मफुल फन कभी किया नहीं, पर जो इनोसेंट फन है वो हरदम अच्छा रहता है, वो याद करके भी जैसे मुस्कुराहट आती है। कुछ ऐसा है जो आपने छुपाया हो इसमें? आई मीन आप पूछ लीजिए, अगर लगता है आपको, मैं खुली किताब जैसा हूँ, जो आप पूछे मैं सब बोलने को तैयार हूँ। तो जो मुझे बताया गया, जो प्रेरणाएं मैंने लिख दिया, आप कोई और कुछ पूछे वो ही बता दूंगा मैं। चलिए अच्छा ये बताइए, हमने तो बिरला हाउस के बारे में सबको पता है, सबने सुना है, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे जिस रूम में एग्जैक्टली हम लोग खड़े हैं, ये बहुत ही स्टोरीज के साथ ये रूम है, ये सिर्फ एक रूम नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज छुपी हुई हैं, जिसमें कुछ लेटर्स हैं, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो कुछ बयां करते हैं, कुछ बताते हैं। है जो मैंने जैसा था, ये घर करीब 100 साल हो गया, 90-100 साल पहले बना था, ये रूम को मैंने चेंज नहीं किया, मतलब थोड़ा खाली रिफर्बिश कर दिया, जो फट गया कपड़ा उसको वापस चेंज कर दिया, पर ये कारपेट सेम है, पंखा सेम है, लाइट सेम है, वॉलपेपर सेम है, सब डेकोरेशन सेम है। तो इसको मैंने इसलिए ऐसे रखा कि बाकी घर में परिवर्तन ले आया लाइफ स्टाइल के हिसाब से, कि यहाँ मेरे परदादा जी ने सब पूरे अपनी, एक तो बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स यहाँ चालू की, जो हमारी कंपनियाँ हैं बिरला, जॉइंट फैमिली घर था ये, तो पूरे बिरला फैमिली यही घर में रहते थे, GD बिरला, BM बिरला, RD बिरला, JK बिरला सब यहाँ रहते थे, उनके एक एक कमरे थे उनके नाम पर। तो और जब फिर उन दिनों भोजन सब साथ में, नाश्ता सब साथ में, तो उसमें पारिवारिक जो जॉइंट फैमिली बिरला की थी उसमें बहुत अहमियत है, तो ये कमरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। दूसरी चीज़ है यहाँ जो उनकी, हमारी पूरी फैमिली फ्रीडम मूवमेंट में बहुत इन्वॉल्व थी, आप समझिए गांधी जी के साथ या वल्लभ भाई पटेल जी के साथ, तो वो सब मीटिंग्स ये कमरे में होती थी। अच्छा। गांधी जी हमारे घर में यहीं रुकते थे, यही घर में, वो कमरे में उधर। अच्छा। और इनफैक्ट बिरला हाउस दिल्ली में उनका स्वर्गवास हुआ, जो लास्ट उनकी वो हे राम करके वो शूटिंग हुई उनकी, वो हमारे घर में, फिर हमने उनको डोनेट कर दिया फैमिली ने गवर्नमेंट को, क्योंकि वो मेमोरियल बन गया।
तो गांधी जी यहाँ बैठते थे और वो हरदम ये कुर्सी पर बैठ के अपने आदर्श, अपने व्यूज़, अपने फ्रीडम मूवमेंट्स पर बात करते थे। और मेरे परिवार से उनका बहुत निकट का एसोसिएशन था। जैसे मेरे दादी जी जो गोपी बिरला मैंने आपको बोला, वो करीब 7 साल उनके साथ आश्रम में रही वर्धा में। उनके संस्कार, उनके प्रिंसिपल, सादगी में रहना, गीता पर जो ओपिनियंस थे उनके, सीखना, उनके साथ रही वो, तो बहुत क्लोजली निट थे हमारे विचारों का, विचार भी गांधी जी पर बहुत आधारित थे हमारे परिवार के। तो फिर ये कमरे में उसके अलावा और सब लोग आए, मेरे चित्र हैं कहीं आप देखेंगे, यहीं पूरा बिरला परिवार, यहीं आप समझिए इंदिरा गांधी जी भी आई हैं, वल्लभ भाई पटेल जी भी आए हैं, जिन्ना भी आए, लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय थे इंग्लैंड के, वो भी यहाँ थे, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ आए हैं, ये सब ये कमरे में आके बैठे हैं और ये सब यहाँ बात किए हैं। और कई कई चित्र हैं मेरे पास ये कमरे के एक दूसरे पार्ट घर के, जो वहाँ चित्र लिए हैं उनके, मेरे पूरे परिवार के साथ। तो आप समझिए अभी ये संस्कृति कहाँ मिलेगी हमको। हम कुछ भी फैंसी बना सकते हैं घर को, पर उसमें वो सुंदरता नहीं जो संस्कृति में है। तो ये मैंने उस तरह प्रिजर्व किया है। आप अगर यहाँ आए मेरे साथ देखें तो ये मेरे, ये गांधी जी के रिटन लेटर्स है, ये उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं, जो मैंने आपको कहा मेरे दादी जी उनके साथ रहती थी। जी, जी, जी। तो बहुत बार वो दादी जी को अपने हाथ से पत्र लिखते थे। हाँ। उनमें उनको एडवाइस देते थे परिवार में कैसे रहना, परिवार लोगों से कैसे व्यवहार करना, एडजस्ट कैसे होना। कोई प्रॉब्लम आती थी मेरी दादी जी को तो वो उनको लिख देती थी कि मेरे को ये कष्ट हो रहा है, तो उनको एडवाइस देते थे। फिलोसॉफिकल थे गांधी जी, महात्मा गांधी। तो ये सब उन्होंने अपने हाथ से लिखे, या मेरे परदादा जी को या मेरे दादी जी को, बहुत सारे पत्र हैं, कई मैंने यहाँ लगा दिए जो उनके हैंड रिटन पत्र हैं। डेट भी दिख रहे हैं। हाँ जी, 34। हाँ, उन सा जवानों का है। तो इनको मैंने प्रिजर्व कर दिया ऐसे। हाँ। तो ये खराब नहीं हुए। हाँ, बहुत सही है। इसके अलावा भी कुछ है इसमें स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो इसमें तो कहानियाँ तो बहुत है, गांधी जी और सब। वल्लभ भाई पटेल यहाँ गुजरे एक्चुअली। उनका जो वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ पटेल का जो लास्ट जर्नी थी वो यहीं, यही कमरे से, यहाँ से निकल के फिर बाणगंगा क्रेमेटोरियम में गई। तो वो यहाँ, ही ब्रीदर इज लास्ट इन बिरला हाउस। तो अभी आप समझे वो संस्कृति तो प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो संस्कृति में ऐसा है कि वो संस्कृति में प्रिजर्व करना जितना कोशिश करता हूँ करता हूँ मैं। जैसे ये मैंने पहले आपको बोला, ये एक तो शुद्ध शाकाहारी घर है, प्रिंसिपल्स थे हमारे फैमिली के, आर डी बिरला जी जो थे वो कभी मांस घर में नहीं लाए। तो मैंने ये दिन तक कभी नहीं अलाउ किया नॉन वेजिटेरियन फूड। मैं खुद शाकाहारी हूँ, पर कोई गेस्ट आ जाए उनको दे दिया, वो भी मैं नहीं अलाउ करता, क्योंकि मैं बोलता हूँ उन्होंने जो संस्कार दिए वो मेरी ड्यूटी है कैरी ऑन करना। मेरे बाद कोई और आएगा, उनकी ड्यूटी है, पर वो करे या ना करे मैं तो करूँ। तो मैं उनके संस्कार फॉलो कर रहा हूँ। मैं यहाँ शाकाहारी भोजन ही देता हूँ और मांसाहारी भोजन प्रवेश नहीं करने देता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ गलत है या सही है, पर ये उन्होंने संस्कार दिए वो मैं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है जो इंटॉक्सिकेंट्स, अल्कोहल, वो मैं घर के अंदर नहीं आने देता हूँ। मैं घर, मेरा बगीचा है बाहर, वहाँ ठीक है पार्टी करते हैं बच्चे लोग करो, पर घर के अंदर मैं अल्कोहल नहीं, क्योंकि जो हम एक समझते हैं कि हमारा घर एक मंदिर जैसा होना चाहिए, तो अगर मंदिर जैसा होना चाहिए मंदिर के अंदर तो ये सब चीज़ नहीं ले जाएंगे, और ये कमरा मंदिर जैसा है तो यहाँ अंदर मैं नहीं लाने दूंगा ये सब चीज़। बाहर ठीक है, अभी आजकल कोई पार्टी में आएगा ही नहीं अगर कुछ नहीं करोगे तो वो बच्चों का है, फ्रेंड्स है, जो मैं सबको बोलता हूँ कि ये सब चीज़ नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे कोई आप आनंद लो पार्टी में, डांस करो, म्यूजिक है, पर ईच टू देयर ओन। कहीं ना कहीं यश बहुत प्राउड फील होता होगा ना ये सारी चीज़ें देखकर कि इतनी अच्छी चीज़ें और आपके संरक्षण में हैं एक्चुअली। सो कहीं ना कहीं प्राउड फीलिंग होती है? प्राउड इज अ रॉन्ग वर्ड। प्राउड इज लीडिंग टू ईगो। ईगो इज नो ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज। यू फील ग्रेटफुल। मेरे को ग्रेटिट्यूड आता है कि इतने संस्कार और इतने मेरे पूर्वजों ने जो किया उसका मेरे को देखभाल करने का अवसर मिल रहा है। हाँ। तो वो ग्रैटिट्यूड आता है मन में, आभार, आभार, आभारी जो बोलते हैं, आभार व्यक्त करना का मन होता है। प्राइड क्या है? तो देखिए
कल मैं ज़िंदगी को ऐसे देखता हूँ, कल मेरे परदादा जी जो भी वहाँ दीवार की पर उनका पोर्ट्रेट है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ग्रैंड मदर उनकी भी पोर्ट्रेट है, हम लोग भी कभी ना कभी पोर्ट्रेट बन जाएं। अब कौन आएगा क्या वो ये सब दैट्स लाइफ, पर जब तक हम यहाँ हैं हम उसको पूरी तरह हमारे जो संस्कार है उनकी रक्षा करें, मैं ऐसा समझता हूँ।